सरफेस ऑफ स्फेयर, अब स्फेयर आ गया, स्फेयर कहते हैं फुटबॉल को और सर्कल कहते हैं चूड़ी को, ऐसे समझ सकते हैं ठीक है। स्फेयर जो अंदर से मतलब भरा हो, मतलब अर्थ भी एक स्फेयर है ठीक। सरफेस, सरफेस ऑफ स्फेयर इस यानी कि सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर की वैल्यू दी है, यानी ऊपर से इतना है। फाइंड द मेजर ऑफ डायमीटर ठीक है सर, 324 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला पता है कि क्या होता है, 4πr² होता है, यानी कि 4πr² की वैल्यू कितनी दी है, 324π दी है ठीक है। तो 4πr² से यहाँ से रेडियस की वैल्यू किसी तरह निकालेंगे, तो रेडियस के साथ जो जो है 4π है, 4π नीचे चला गया, पाई से पाई कट जाएगा क्योंकि इधर भी पाई है ठीक है। तो बचेगा 4, 4 8 32, 4 1 4 81 आ गया ठीक है। फिर r² = 81, स्क्वायर जब उधर जाता है तो रूट बन जाता है, तो 81 के स्क्वायर रूट होता है 9, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 9 ठीक। हमें निकालना क्या था, फाइंड द मेजर ऑफ इट डायमीटर, तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × रेडियस, तो 2 × 9 × 9 = 18 हो गया ठीक है। क्लियर हो गया सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है, बस याद रखिएगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की वैल्यू दी है इतनी, तो ये एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4πr². अच्छा यहाँ पे देखिए, कहेंगे सर आप स्क्वायर नहीं लगा रहे, स्क्वायर थोड़ी ना, हमें तो यहाँ पे डायमीटर निकालना है। जब भी एरिया निकालना होता है तब स्क्वायर लिखता है, लिखते हैं, जब वॉल्यूम निकालना होता है तो क्यूब लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो फाइंड द मेजर ऑफ डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर का फॉर्मूला जो भी होता है 2 × रेडियस, 2 × रेडियस, रेडियस की वैल्यू 9 थी, मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर में स्क्वायर नहीं लगेगा ठीक। अगला क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की ऊंचाई कितनी दी है, 5 cm² ठीक है। अच्छा इसका मतलब क्या है भाई, कोई सिलेंडर बना है ठीक है, तो सिलेंडर भाई ये सिलेंडर होता है ना ठीक, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी दी है, 5 cm। द एरिया ऑफ बेस दिया है 36π, यानी कि ये पूरा गोल इसका एरिया दिया है 36π ठीक है, एरिया ऑफ बेस की वैल्यू 36π है ठीक। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर, तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का फॉर्मूला तो भाई होता है 2πrh, यानी कि r भी पता होना चाहिए, h भी पता होना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ r तो दी नहीं लेकिन h दिया है। हाइट ऑफ द सिलेंडर हाइट दी है लेकिन रेडियस नहीं दी, रेडियस ना देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ बेस दे दिया है, तो एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला लगाया, एरिया सर्किल, बेस में क्या है हमने देखा सर्किल है, तो एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला लगेगा, एरिया ऑफ बेस यानी कि एरिया सर्किल का फॉर्मूला था πr², इसकी वैल्यू दी 36π, तो πr², तो यहाँ से पाई से पाई कट गया बच्चा, इक्वल टू इधर उधर चीज़ें कट जाती हैं अगर सेम हो, r² है इधर, r² 36 होता है, स्क्वायर उधर जाता है, अगले स्टेप में यहीं भी लिख दे रहे हैं, r² है, स्क्वायर उधर जाता है इक्वल टू के, तो रूट बन जाता है, तो रूट 36 की वैल्यू होती है 6 का, ऐसे याद रखेंगे, कौन सा ऐसा टेबल है जिसके टेबल को उतनी ही बार पढ़ें 36 आ जाए, तो 6 का टेबल 6 × 36 बड़ा नंबर आए तो उसका एलसीएम निकाल के करा जाता है 36 6 × 6 6 6 × 36 और 6 × 6 यानी कि 2 का पेयर बन रहा है, खत्म हो जा रहा है सवाल, तो 2 का पेयर एक बार लिखते हैं, तो r = 6। अब निकालना हमें क्या है एक्चुअल में, कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया फॉर्म होता है 2πrh, 2 का 2 लिखा, पाई का पाई लिखा, आर की वैल्यू हमें 6 दिख रही है, एच की वैल्यू 5 दी थी, हाइट यानी कि 5 दी थी, क्योंकि रेडियस यहाँ से देखो कितनी निकल गई 6, यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 6 हो गई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 6 हो गई, सेंटर से यहाँ तक की ठीक है, तो वो आर की वैल्यू हो गई, एच की वैल्यू 5 हो गई, तो 2πrh फॉर्मूला होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2πrh होता है ठीक है। 2 रखा, पाई रखा, आर की वैल्यू 6 रखी, एच की वैल्यू 5, सॉल्व कर लिया, पाई का पाई रहन दो, पाई की वैल्यू अगर नहीं रखी गई है क्योंकि आंसर देखो इसी में 5π दिया था, और आप रख भी सकते हैं पाई की वैल्यू 22/7, सॉल्व कर लेंगे उससे जो आंसर आया ठीक है, 2 × 6 = 12, 12 × 5 = 60 πr² लगाया, क्यों सर, कर सरफेस एरिया निकालना था, एरिया निकालना था ठीक है। उसके बाद यही क्वेश्चन देख लिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है ठीक है। हुज हाइट दी है 10 cm, भाई सिलेंडर यानी ऐसे ही बोला, हाइट दी है 5 की जगह यहाँ 10 दे दी है आपकी, और डायमीटर 7 दे दी है, तो हमें डायमीटर की जरूरत नहीं होती है क्योंकि फॉर्मूला जो होता है हमारा πr² होता है, क्या फॉर्मूला होता है, πr² होता है भाई, हमारा सिलेंडर ये है ठीक, हाइट की वैल्यू कितनी दे दी है हमें, हाइट की वैल्यू 10 दे दी, यानी कि ये वैल्यू 10 होगी, और डायमीटर 7 यानी कि पूरे की वैल्यू 7 है, तो आधे की वैल्यू 7 का आधा कितना होता है, रेडियस जो होती है वो डायमीटर की आधी होती है, रेडियस होगी डायमीटर की आधी होगी, डायमीटर अपॉन 2, 7 का आधा 3.5, चाहे ना आधा करिए आप रेडियस को ऐसे ही रखिए, पॉइंट में करेंगे आप कन्फ्यूज होंगे। फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें निकालना था, तो वॉल्यूम सिलेंडर फॉर्म होता है πr², पाई की जगह 22/7 रख दी, आर की वैल्यू देखिए ये 7.2 आई है, स्क्वायर लगा तो दो बार मल्टीप्लाई कर दिया, एच की वैल्यू देखिए क्या दी है 10, एच की जगह 10 रख दिया, इस 7 से इस 7 काट दिया, और 2 × 2 ठीक है, अब कुछ कट नहीं सकता, 11 × 7 = 77 और 77 × 10 770/22 = 4, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा, और स्क्वायर ज़रूर लगाएंगे सेंटीमीटर में, स्क्वायर ज़रूर लगाएंगे, क्यों क्यों स्क्वायर लगाएं, क्योंकि हम क्या निकाल रहे थे, क्या सॉरी क्यूब ज़रूर लगाएंगे, यहाँ पे देखिए मिस प्रिंट है ठीक है, यहाँ पे आपको निकालना था फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो जब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे तो यहाँ पे पावर 3 लगेगी ना कि 2,
अब क्या लगेगी, पावर 3। ठीक है, क्लियर हो गई बात भाई? कैलकुलेशन देखी नहीं, देखी नहीं देख पाए क्या उसमें? देख रहे थे, 7 से 7 कट गया। ठीक है, पाई आर स्क्वायर है, आर की वैल्यू देखिए, आर की वैल्यू कितनी है, 7/2। आर की जगह 7/2 स्क्वायर लगाया आर में, तो 2 बार 7/2 लिख दिया। एच की वैल्यू 10 दी हुई थी, 10 रख दी। इस 7 से 7 काट दिया, ये 2 से ये 2 अंदर 2 2 अंदर 2 2 अंदर 2 11 बचा, 11 × 7 11 7 77 77 × 10 770। नीचे क्या बचा, 2 बचा होगा ना, सॉरी यहाँ पर 2 बचा होगा क्योंकि ये 2 तो इधर कट गया इससे। ठीक है, ये 2 तो इससे कट गया। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा सवाल। ठीक है,